तस्मन खा गया, चार माह का राशन, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मंगलवार को आयोजित हुई जनसुनवाई में बैराट के ग्राम सर और ग्राम बेरदा के ग्रामीण पहुंचे। यहां उन्होंने सेल्समैन सुनील, देवेंद्र यादव, पुष्पेंद्र और अनूप पर चार माह से राशन ना बांटने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो 5 किलो राशन मिलता है वो भी 7 महीने से नहीं दिया गया है, इसलिए सेल्समैन पर कार्यवाही की जाए। ग्रामीण दौलत राम, दर्शन, राम प्रसाद, कन्हैया, श्रीलाल, जगन्नाथ, नवाब, वासुदेव आदि ने बताया कि जब सेल्समैन से राशन मांगने गए तो उनका कहना था कि तुम्हें जो दिखे कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे मंत्री से संबंध है और अपनी मर्जी से ही राशन बांटेंगे। मामले को लेकर हमने SDM से लेकर मंत्री राजखेड़ा तक को आवेदन दे दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। साहब, हम ग्रामीण हैं, मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अतः मामले में सेल्समैन पर कार्रवाई कर राशन दिलवाया जाए। ये समस्या आएगी, हमारे खानदान 4 महीना से क्यों नहीं बटो राशन, नहीं बट रहो तो हम क्या करें, उन्हीं के पीछे कहाँ तक फिर राशन नहीं बांटेंगे तो ये क्या करेगी जनता, फिर इनता दे कलेक्टर साहब हमारी ये सी समस्या करेंगे, इनके काटन को जी ले ले। तो क्या कहना होता है उनका ना देने का कारण क्या बताया जाए? कारण का मोड़ा मोड़ी सुगंध खाया को झूठ बोल के और फिर खानदान ना राशन नहीं बांटेगा तो हम क्या करेंगे, लंप का भी बांटे नहीं, शक्कर का भी बांटे नहीं, जे का बच्चे की सुगंध खा के किस बात को लेके, जो बच्चों की सौगंध खा रहा हूँ मैं, खानदान तुमको बांटो राशन ले भी आ जाओ और बांटे वो बांटो भगा देगा। क्यों मंत्री का करी, SDO का करी, कौन से मंत्री के जय सुरेश राठ के वाले का नहीं सुनी, क्या कह रहे थे राठ के? चलो कह देते दारू पी के आ जाते हैं, दारू पीवा के ले आते हैं, हाँ। वो दूसरा पे बाकी लाओ, दूसरा पे आके लाओ, अब दूसरा काम है बदले मुड़ काट दे वो का। राशन तो हर महीने मिलता है, इनको 4 महीने से खाद्यान्न क्यों नहीं मिला है, तो जांच का विषय है, जांच कराएंगे और देखेंगे क्या कि इनके खाद्यान्न क्यों नहीं मिला है। 4 महीने से नहीं मिला, 1 महीना वो तो जांच करने की बात है, जांच कराएंगे, जांच के बाद जैसे भी निर्णय होगा उसके हिसाब से देखेंगे, और खाद्यान्न नहीं मिला होगा 4 महीने का तो कार्रवाई करेंगे, इनको दिलवाएंगे। राशन 4 महीने का इनको मिलेगा क्या कार्रवाई होने के बाद, जाँच होने के बाद खाद्यान्न मिलेगा, खाद्यान्न पूरा मिलेगा इनको, मिलेगा जो मशीन से निकलेगा वो मिलेगा, मशीन की जो प्रायोरिटी है, मशीन की देखो, मशीन में जो है ना खाद्यान्न जो इतना निकलेगा उसके हिसाब से खाद्यान्न मिलेगा, और जो अगर नहीं बांटा होगा, अगर विक्रेता ने गड़बड़ी की होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उससे वसूली करेंगे। ये तो जाँच का विषय है कि उन्हें अंगूठा लगवाया और वितरण नहीं किया, तो जाँच का विषय रहेगा।